नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पांच की आज। आज सबसे पहले बात होगी कुत्तों के आतंक की। बताएंगे कैसे एमपी में कैसे लोग आवारा कुत्तों के दहशत में जी रहे हैं और कुत्तों पर कंट्रोल की जगह सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बात नेताजी पर एफआईआर की होगी। बताएंगे कैसे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष को अपनी ही पार्टी के नेता को धमकी देना महंगा पड़ गया। तो पुलिस के गुंडागर्दी की भी तस्वीरें दिखाएंगे। बताएंगे कैसे आम लोगों की सुरक्षा की जगह पुलिस उन्हें पीट रही है, गरीबों के साथ गुंडागर्दी कर रही है। बात अनोखी चोरी की भी होगी। दिखाएंगे कि कहां मुर्गियों को चुराने के लिए 15 चोर पहुंच गए। तीर कमान लेकिन इन चोरों ने पोल्ट्री फार्म पर धावा बोला। बताएंगे कैसे साइलेंट किलर लोगों की जान ले रहा है, कैसे साइलेंट हार्ट अटैक का लोग शिकार बन रहे हैं। और पहले बात करेंगे आतंक जारी दहशत भारी की। तो मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुत्ते रोज लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। राह चलते लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं और अब तो लोग भी इंसानियत भूल कुत्तों से क्रूरता पर उतारू हो गए हैं। लेकिन जिन पर कुत्तों पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है वो महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। ना कुत्तों की आबादी पर कंट्रोल किया जा रहा है और ना ही उन्हें पकड़ा जा रहा है और इंसान कुत्तों से और कुत्ते इंसान से डरे हुए हैं। बेजुबान के साथ क्रूरता की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। भोपाल में युवक ने कुत्ते के बच्चे की डंडे से पिटाई की घटना नीलबड़ इलाके की बताई जा रही है। कुत्ते के साथ क्रूरता का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसी हरकत इंसानियत के खिलाफ है, इसे बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल भी है, आखिर आए दिन ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं? एमपी में इंसान और कुत्ते क्यों आमने सामने हैं? इंसानों पर तो कार्रवाई की जा सकती है लेकिन सड़क पर आतंक फैलाने वाले आवारा कुत्तों का क्या? एमपी में आवारा कुत्तों का आतंक है। ग्वालियर में कल 24 घंटे के दौरान 400 लोगों को कुत्ते ने काटा। भोपाल में भी 40 लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया। आंकड़े और भी डराने वाले हैं। 2023 में एमपी में 80,000 लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए। ग्वालियर तो मानो आवारा कुत्तों का ठिकाना बन गया है। जिले में 50,000 से ज्यादा कुत्ते हैं जो हर रोज लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अगर देश की बात करें तो हर घंटे 17 लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। 2022 में देश में डॉग बाइट के 1,69,000 मामले सामने आए। कुत्तों पर कंट्रोल के लिए देश में कानून भी है। 2001 में पशु जन्म नियंत्रण कानून बना था जिसके तहत आवारा कुत्तों की नसबंदी का प्रावधान है। लेकिन ये कानून प्रभावी तरीके से लागू नहीं है। भोपाल में प्रशासन आवारा कुत्तों को पकड़ने का दावा करता है लेकिन जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो दावों की पोल खुल गई। दावा किया था कि यहाँ 132 कुत्तों को पकड़ कर रखा गया है लेकिन मौके पर 50 से भी कम कुत्ते नजर आए। राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग का कहर आजकल देखने को मिल रहा है। लगातार वह लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकार मासूम बच्चों को बना रहे हैं और उन कुत्तों को पकड़ने का काम नगर निगम लगातार कर रही है और एबीसी सेंटर जो है वहां पर इनको लाया जा रहा है और वहां पर इनकी नसबंदी की जा रही है। इसके साथ ही रेबीज के इंजेक्शन लगाने के बाद उनको वापस से उसी इलाके में छोड़ा जा रहा है। हम एक धुआखेड़ा के एसीबीसी सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जितना दावा किया जा रहा है नगर निगम की तरफ से कि 225 कुत्ते जो है अभी हाल ही में पकड़े गए लेकिन उतने कुत्ते इन सेंटर्स पर नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो कुत्ते पकड़े जा रहे हैं उनको एसीबी सेंटर भेजा जाकर उनकी नसबंदी कराई भी जा रही है या फिर दूसरे इलाकों में उनको छोड़ा जा रहा है। देखिए जो यहाँ पर मौजूद है जो कर्मचारी थे उनका दावा है कि 132 कुत्ते यहाँ पर है लेकिन तस्वीरों में जिस तरीके से बता रहे हैं कि कुत्तों की संख्या बेहद में राजधानी भोपाल में इस तरह के 3 डॉग सेंटर बनाए गए हैं जिनके अलग अलग इलाकों में ये सेंटर बनाए गए और यहाँ पर इस तरह के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पकड़ा जाता है और नसबंदी करने के बाद उनको 5 दिन यहाँ रखा जाता है और उसके बाद इनको यहाँ से उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। तो लगातार जो है वो जो कुत्तों का जो कहर बढ़ रहा है उससे बचने के लिए नगर निगम लगातार कुत्ते पकड़ तो रही लेकिन क्या वास्तव में उनकी नसबंदी हो रही है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह केवल छोड़कर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सेलेंसी न्यूज भोपाल। शहर में लगातार हो रही डॉग बाइट की घटनाओं के बाद भी नगर निगम कुत्तों की नसबंदी करने को लेकर गंभीर नहीं है। डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर आवारा कुत्तों का आतंक कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि एमपी के साथ देश में किस कदर है आवारा कुत्तों का आतंक। आतंक जारी है, दहशत भारी है। तो आप ये देखिए कि हर घंटे 17 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। 2022 में डॉग बाइट के 1,69,000 मामले सामने आए। 2021 में 1,92,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। 2020 की बात करेंगे, कुत्तों ने 4,31,000 लोगों को अपना शिकार बनाया। हर साल रेबीज से 20,000 लोगों की मौत हो रही है। भारत में 1.6 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, एक डेटा जो जुटाया गया है उसके मुताबिक, और इनकी संख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्यों? कानून भी बना है लेकिन कानून इसको लेकर काम नहीं आया है। कुत्तों पर कंट्रोल के लिए देश में कानून बना हुआ है, 2001 में इसे बनाया गया था, पशु जन्म नियंत्रण यह कानून है। तो 2010 में कानून में संशोधन भी किया गया, आवारा कुत्तों की नसबंदी का प्रावधान प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाया। 10 साल में कुत्तों की संख्या में कोई गिरावट भी नहीं देखी गई। और एमपी में आवारा कुत्तों के आतंक की अगर बात कर ली जाए तो क्या स्थिति? एमपी में आवारा कुत्तों का भारी आतंक है और हाल ही में जब से सर्दियां शुरू हो रही हैं आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ग्वालियर में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ग्वालियर जिले में ही 50,000 से अधिक कुत्ते 24 घंटे में 400 लोगों को शिकार बनाए हैं। 24 घंटे में 400 लोगों को शिकार बनाया, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। 2023 की बात करें तो 80,000 लोग आवारा कुत्तों का शिकार बने थे। भोपाल की बात कर लेते हैं, तो आपने ग्वालियर का डेटा देखा, अब भोपाल की बात करेंगे जहां एक दिन में 40 लोगों को कुत्तों ने काटा है। और इस तरीके के डेली के जो अपडेट आ रहे हैं, महीने भर में तकरीबन सैकड़ों ऐसी संख्या हो जाती है जो डॉग बाइट के शिकार होते हैं। चलिए